इस साल जोधपुर ग्रामीण की 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 8 तारीख से 12 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसमें 17 और 19 वर्ष बालिका की मेजबानी इस बार सेंट हरित विद्या आश्रम भोपालगढ़ को मिली है। दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी बताएं, उससे पहले आप वीडियो शेयर कर दें। अब हम आपको लिए चलते हैं सेंट हरित विद्या आश्रम भोपालगढ़ के अंदर, जहां पर हम आपको व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं कि कल किस तरह से प्रतियोगिताएं चलेगी और किस तरह से शेड्यूल होगा। आइए हमारे साथ चलें अंदर विद्यालय की तरफ। यहां रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंच गए हैं, जहां पर टीम जो भी आ रही है इस विद्यालय के अंदर कबड्डी प्रतियोगिता ग्रामीण 68वीं प्रतियोगिता के अंदर, उनके लिए यहाँ फाइल सबमिशन हो रहा है और यहाँ जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट करेगी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। अब हम आपको यहाँ विद्यालय के संचालक और यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर जो व्यवस्थाएं की जा रही है उनको लेकर आपको खेल मैदान दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं कि टोटल यहाँ कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसके अंदर बालिकाओं की विशेष तौर से ये टीम और यहाँ पर 17 और 19 वर्ग आयु वर्ग रहेगा और इसके अंदर जो है 17 और 19 एज वर्ग के अंदर 68वीं खेलकूद प्रतियोगिता ग्रामीण जोधपुर जिले की यहाँ आयोजित होगी, जो हरित विद्या आश्रम भोपालगढ़ के अंदर आयोजित की जा रही है, जो कल यानी 8 सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2024 तक आयोजित की जाएंगी। आइए चलते हैं खेल मैदान की तरफ। दोस्तों, हम जो सेंट हरित विद्या आश्रम भोपालगढ़ है वहाँ पर खड़े हैं और 68वीं खेलकूद प्रतियोगिता है छात्रा वर्ग के अंदर, बालिका वर्ग के अंदर 17 और 90 ईयर्स के अंदर आयोजित होने जा रही है, जो कल 8 सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2024 तक आयोजित की जा रही है। यहाँ पर मैदान के अंदर व्यवस्थाएं की जा रही है, हालांकि बरसात ने थोड़ा खलल जरूर डाला है, लेकिन सर की पूरी टीम लगी हुई है व्यवस्थाएँ जुटाने में। हमारे साथ यहाँ कैमरामैन आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे इस खेल मैदान का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से जो टीम के लोग आए हुए हैं वो भी हैं और इनके अलावा यहाँ स्कूल के संचालक और यहाँ जितने भी इस गेम को सफल आयोजन के लिए नियुक्त हैं वो सभी अपना प्रयास कर रहे हैं। हम आपको यहाँ के संचालक से बात करवाएंगे कि किस तरह से यहाँ जो है पूरा गेम संचालित होगा, कितनी टीमें यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी और किस तरह से प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन और सफल आयोजन की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ हरि सिंह जी राठौड़ साहब हैं, जो इस विद्यालय के संचालक हैं, इस विद्यालय को रन कर रहे हैं। यहाँ 68वीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिनको लेकर हम सर से कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह से यहाँ 68वीं खेलकूद प्रतियोगिता की व्यवस्थाएं की जा रही है जो कल से शुरू होने वाली है? तो महोदय, जैसा आपने बताया, यहाँ जिला स्तरीय 68वीं खेलकूद प्रतियोगिता का कबड्डी वर्ग का मैच है, वो कल से शुभारंभ हो जाएगा। यहाँ 17 वर्षीय और 19 वर्षीय बालिकाओं का ये मैच तय किया गया है। तो हमारा जो अनुमान है, जैसा आज रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके तहत यहाँ 28 से 29 टीमें अंडर 17 और 28 से 30 टीमें अंडर 19 में पार्टिसिपेट करेगी। कुल मिला के लगभग 60 टीमों के 700 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ इस प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे और जो योग्यता के आधार पर टीमें जीतेगी वो फिर राज्य स्तर में जोधपुर जिले के नाम पर प्रतिनिधित्व करेगी। दोस्तों, यहाँ हमारे साथ सेंट हरित विद्या आश्रम भोपालगढ़ के संचालक यहाँ हरि सिंह जी साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ 17 और 19 बालिका ग्रुप के अंदर जो 68वीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर लगभग 700 बच्चे खेलेंगे और लगभग 68 से 70 टीमें यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी, जो कल सुबह यहाँ जो है उद्घाटन मैच के साथ शुरू हो जाएगा, जो 8 तारीख से लेकर 12 सितंबर तक प्रतियोगिताएं चलेगी। दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमें YouTube, Facebook, Twitter, अन्य जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।